बताना चाहूँगी वाहे गुरु का खालसे वाहे गुरु के फतेह और महिला किसान दिवस पे सबका अभिनंदन है। आज मैं ये सिंघू बॉर्डर पे खड़ी हूँ किसानों को पहले तो मैं हेमामालिनी जी के बारे में बताना चाहूँगी। उनको राजनीति के बारे में कुछ पता है? उनको सिर्फ नाचना गाना तक ही उनका जीवन सीमित है और उसी सीमित अवस्था से उनको राज्यसभा में उनको ले लिया गया था और अभी जहाँ पे भी है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहूँगी। हेमा मालिनी जी अगर ये कह रहे हैं कि किसानों को पता नहीं है ये जो कानून है उनके हित के लिए है तो शायद उन्होंने या तो पढ़े नहीं है या समझ नहीं आया है। अगर सिर्फ किसान नहीं, भारत का जितने बुद्धिजीवी है जितने इंटेलेक्चुअल है सब पढ़ चुके हैं। तो किसान बैठे हैं वो एक्चुअल में रियल में ऑथेंटिक किसान हैं, वो अपना लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपने हक का अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ना कहिए कि ये किसान नहीं है। और बाकी रहा अन्य वर्ग की बात तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलने के लिए हमें ना वर्ग देखना चाहिए, ना जाति देखना चाहिए, ना संप्रदाय देखना चाहिए, ना कोई लिंग देख। बात मैं और कहना चाहूँगी, हेमा मालिनी जी जो ये बोला है कि किसानों को पता ही नहीं है, वो अपने घर में ही क्यों नहीं पूछ लेती? उनके हस्बैंड भी तो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको भी तो सारी नॉलेज है। इस बारे में वो अपने हस्बैंड से तो एक बार बात करें कि क्या पता है उन्हें और क्या नहीं पता। चक दे टीवी ते मैं हाँ बलदीप सिंह। अज महिला दिवस ते जो महिलावां ने किसानी मोर्चे नू संभाल रही ने, सारा प्रबंध जो किसानी मोर्चे का महिलावां कर रही ने और दुनिया दे और मुल्क दे हर कोने तो महिलावां जिहड़ियां ने वो इत्थे सिंघू बॉर्डर ते पहुंची होईयां ने किसानी समर्थन दे विच, किसानी नाल जुड़ियां महिलावां तां पहुंचीआं ने। इस तों अलावा होर भी सोशल एक्टिविस्ट ते होर कई खेत्रां तों भी लोग पहुंचे होए ने। साडे नाल एक शख्स मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आं कि वो ओडिशा तों आए ने जी। तुहाडा नाम जी? मैं ममता कुंडू, ओडिशा से। तो आप इतनी दूर से किसानों के समर्थन में? जी हाँ, पहले तो ये बताना चाहूँगी वाहे गुरु का खालसे वाहे गुरु के फतेह और महिला किसान दिवस पे सबका अभिनंदन है। आज मैं ये सिंघू बॉर्डर पे खड़ी हूँ किसानों के समर्थन पर और इसलिए हूँ क्योंकि जहाँ पे भी गलत होता है, अन्याय होता है, मुझे लगता है जिसका जितना कैपेबिलिटी है, जितना कैपेसिटी है, वो अपने कैपेसिटी से कोई भी गलत चीज़ को गलत बोलने के लिए अपना पूरा सहयोग लगाए। तो इसी सहयोग के साथ मैं इस किसान आंदोलन में सहयोगी होके आई हूँ। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि ये तो किसानों का, सरकार भी कह रही थी और कुछ लोग भी कहते हैं कि ये तो किसानों का आंदोलन है और इसमें और कोई दूसरे वर्ग का शामिल नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? मैं ये कहना चाहूँगी पहले तो जो लोगों में चर्चा है, जो मीडिया बोल रहे हैं, जो बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया जो बोल रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही लोगों को बिठा दिया गया है, पहले तो ये बताऊँगी कि यहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो एक्चुअल में रियल में ऑथेंटिक किसान हैं, वो अपना लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपने हक का अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ना कहिए कि ये किसान नहीं है। और बाकी रहा अन्य वर्ग की बात तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलने के लिए हमें ना वर्ग देखना चाहिए, ना जाति देखना चाहिए, ना संप्रदाय देखना चाहिए, ना कोई लिंग देखना चाहिए। अगर कुछ अच्छा काम के लिए किसी का अवदान से, मेरा अवदान से अगर कोई अच्छा हो सकता है तो मैं कहूँगी सारे वर्ग के लोग इकट्ठे होना चाहिए और इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हमारे पास जो भी ताकत है सबको एकजुट करना जरूरी है। अच्छा, किसान तो ये आंदोलन लड़ रहे हैं इस वजह से क्योंकि जो ऑर्डिनेंसेस हैं, जो कानून बन गए हैं वो, तो उनको, उनसे नुकसान हो रहा है, पर जो आम देखा गया कि आम वर्ग भी है, जो छोटा व्यापारी है वो भी आज किसानों के हक में खड़ा है। उनका कहना है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं उससे जो मार्केट में प्राइसेस होंगे फूड ग्रेन्स के वो बढ़ जाएंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? पहले तो ये बताऊंगी किसानों को MSP में गारंटी होना चाहिए और मार्केट में जो प्राइस का जो एक कैप नहीं है उस कैप को भी एक करना जरूरी है क्योंकि
किसान से ये लोग खरीदते हैं। पूंजीपति के बारे में बताऊंगी, पूंजीपति क्या करेंगे, किसानों से कम दाम में खरीदेंगे और कंज्यूमर के सबसे ज्यादा रेट में बेचेंगे। इसलिए पहले तो MSP होना चाहिए, ताकि सिर्फ अनाज में नहीं, सब्जियों में होना चाहिए, फूल में होना चाहिए, फल में होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स में होना चाहिए, जूट में होना चाहिए, पान में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। पहले MSP होना चाहिए गारंटेड, उसके बाद ये जो बिकेंगे जहाँ पे भी उसका भी एक कैपिंग होना जरूरी है, वरना ये लोग किसान से खरीदेंगे 8 रुपये में, बेचेंगे 80 रुपये में, ये कटाई नहीं होना चाहिए। ये होने से क्या होगा, ना गरीब जो गरीब से गरीब हो जाएगा, और जो अमीर पूंजीपति वो जिसे अभी देखा जाता है कि अदानी का हर रोज 500 करोड़ रुपया उसका बढ़ोतरी हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? हम लोग तो गरीब हो रहे हैं तो कैसे हो रहा? तो ये कहना चाहूंगी, साथ में और एक चीज कहना चाहूंगी, ये जो 3 बिल लेके आए हैं, काला कानून लेके आए हैं, अगर ये किसानों का हित में होता तो किसान क्यों आंदोलन में बैठता? अगर किसान बोल रहा है कि हमें ऐसा कानून का जरूरत नहीं है, तो सरकार को दिक्कत ही क्या है, इसको उठा लेते, इसको वापस कर लेते, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सरकार अदानी और अंबानी के हाथों बिक चुका है, और अदानी अंबानी इसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बड़े बड़े गोदाम घर जाइलो बना रखे हैं। अगर अभी उनको नहीं देंगे किसान का ये बिल को अगर वापस कर लेंगे, तो अदानी अंबानी का जो लाभ होना था वो बंद हो जाएगा। अगर वो बंद हो गया, ये जो फंडिंग करते हैं चुनाव के समय में, ये जो आजकल जो चुनाव होता है ना, उस चुनाव में पता नहीं लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है। पहले भी चुनाव होते थे लेकिन करोड़ों में खर्चा होता था, अभी तो पता नहीं हजारों करोड़ों लाखों करोड़ में खर्चा होता है। ये लाखों करोड़ों देता कौन है? लाखों करोड़ों यही अदानी अंबानी देते हैं, और चुनाव के बाद ये क्या करते हैं, उनको ओबलाइज किया जाता है, और यही एक माध्यम है, किसान का जमीन को भी छीन के दे देंगे, यही इनका कोशिश है। इसी के वजह से ये चाह रहे हैं कि ये किसान बिल वापस ना हो। सिर्फ किसान बिल नहीं, आने वाले समय में बीज का बिल भी आएगा, आने वाले समय में बिजली का बिल भी आएगा, उसका संशोधन होके आएगा। किसान क्या कह रहा है, किसान कह रहा कि ये बिल को वापस करो, MSP में गारंटी करो, और ये जो बिजली बिल में एक जो संशोधन होके आ रहा है उसको लागू करने ना दिया जाए, इतना ही तो मांगे। इसको ना देके ये क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिए, किसको फायदा करवाने के लिए, उनका सारा एजेंसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसान का पेट में लात मारने के लिए। सिर्फ किसान नहीं, अगर हम सोचेंगे किसानों का ही खाली होगा, हमारा नहीं, तो हम गलत फहमी में है। ये धीरे धीरे करके हर एक वर्ग को खत्म करने के लिए कोशिश है, साजिश है। इस साजिश को हम सबको समझना चाहिए, और जैसे कि जर्मनी में हुआ था, धीरे धीरे एक एक वर्ग को खत्म करा गया था, ऐसे ही ये केंद्र सरकार, सत्ताधारी सरकार ये भी क्या कर रहे हैं, पहले स्टूडेंट को खत्म किए, फिर मुसलमानों के लिए NRC और CA और CAB लेके आए, और आने वाले समय में किसान के लिए, ऐसे आने वाले समय में पूरा वर्ग को खत्म कर देंगे, सिर्फ रह जाएंगे कुछ गिने चुने उद्योगपतियां। तो इन पूंजीपतियों को खत्म करने का एक ही रास्ता है, इस किसान आंदोलन में हम सब एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, अपना एकता दिखा दें, और इस बिल को वापस लेने के लिए उनको मजबूर कर दें। अच्छा, आज कलाकारों का भी बहुत योगदान रहा है, खासतौर पर पंजाबी कलाकारों का, जो यूथ को यूनाइट करने में, पर बॉलीवुड के कुछ कलाकार हैं जिनमें हेमा मालिनी एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो उनका कुछ दिन पहले बयान आया कि जो किसान है वो तो जानते ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। पहले तो मैं हेमा मालिनी जी के बारे में बताना चाहूंगी, उनको राजनीति के बारे में कुछ पता है? उनको सिर्फ नाचना गाना तक ही उनका जीवन सीमित है, और उसी सीमित अवस्था से उनको राज्यसभा में उनको ले लिया गया था, और अभी जहाँ पे भी है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहूंगी। हेमा मालिनी जी अगर ये कह रहे हैं कि किसानों को पता नहीं है, ये जो कानून है उनके हित के लिए है, तो शायद उन्होंने या तो पढ़े नहीं है या समझ नहीं आया है। अगर सिर्फ किसान नहीं, भारत का जितने बुद्धिजीवी है, जितने इंटेलेक्चुअल है, सब पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग पढ़ चुके हैं, हम कोई गवाह नहीं है, मैंने भी पूरा जितना हो सकता है पढ़ा है। तो इस सारे पढ़ने के बाद मुझे इतना समझ में आया है, ये जो बिल है, ये बिल कतई किसानों का हित में नहीं है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का हित के लिए आया है। तो अगर हेमा मालिनी जी ये कह रहे हैं, तो या तो वो जानते नहीं है या इसको पढ़े नहीं है, अगर पढ़े तो समझे नहीं है।
तो वो पढ़ ले, ये ना बोले कि किसान को समझ नहीं है, किसान अनपढ़ है। आज वो समय बीत गया है, आज का जो भारत का किसान है, आप किसान के जो बच्चे हैं वो सब कनाडा में हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और कलेक्टर हैं, जवान हैं, तो सारे प्रोफेशन में उनके पढ़े लिखे हैं, सारे प्रोफेशन के उन्हीं के बच्चे हैं। अगर उनको पढ़ना नहीं आता है तो कलेक्टर से ज़्यादा क्या आप लोग पढ़े लिखे हैं? क्या जो आईटी प्रोफेशनल है उनसे ज़्यादा आपको समझ है या ना जवान से ज़्यादा आपको समझ है? तो ये ना कहिए कि वो उनको गुमराह, ये मत कहिए कि उनको पता नहीं है, ये आप गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, हेमा मालिनी जी जो ये बोला है कि किसानों को पता ही नहीं है, वो अपने घर में ही क्यों नहीं पूछ लेती? उनके हस्बैंड भी तो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको भी तो सारी नॉलेज है, इस बारे में वो अपने हस्बैंड से तो एक बार बात करें कि क्या पता है उन्हें और क्या नहीं पता। पर उनके बेटे जो गुरदासपुर से सांसद हैं, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, उन्होंने भी कहा है कि बिल जो है वो किसानों के पक्ष में है। अब देखिए मोदी सर, वो पंजाब से ही वो सांसद है, उन्होंने ये कानून लागू किए, अब वो सांसद किसके हैं? मोदी सरकार के, तो वो कैसे इसको मना विरोध करेंगे? वो कहेंगे ही कहेंगे ना। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो किस तरीके की समाज सेवा में आप वैसे आमतौर पे इन्वॉल्व रहते हैं? समझी नहीं, फिर से बताइए। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो किस तरह के समाज में आप काम में आप इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए मैं एक महिला हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमारे समाज में जो महिला हैं उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तरह देखा जाता है, और मैं इसका विरोध करती हूँ, इसका अगेंस्ट मैं हर जगह में बोलती हूँ कि हम आधी आबादी है, जब हम आधी आबादी है तो हम क्यों सेकंड क्लास सिटीजन तौर पे रहें, और हमारा क्यों नहीं राय रहे सब जगह में? आप जहाँ पे भी देखेंगे, अगर देखेंगे सांसद में, पूरा जगह में हमारा आधा अधिकार होना चाहिए, हमको आधा दिखना चाहिए, लेकिन हम नहीं है। तो मैं ये जो जेंडर पैरिटी के लिए ही मैं फाइट कर रही हूँ, और मेरा एक इच्छा है, मैं हर जगह में एक चीज़ बोलती हूँ, वो है कि एक पक्षी कतई एक अपना पंख के सहारे में वो ऊंचाई में पहुंच नहीं सकती है, उड़ नहीं सकती है जितना कि दोनों पंख से उड़ सकती है, एक पंख से तो उड़ ही नहीं सकता है। वैसे समाज भी एक पक्षी स्वरूप है, और इसका दो पंख है, एक महिला पंख एक पुरुष पंख। ये जो पुरुष पंख सिर्फ उड़ रहा है, इसीलिए आज तक हम उस विकास की ऊंचाई को चूम नहीं सके हैं। जिस दिन मेरे महिला बहन भी उस पंख का भी इस्तेमाल करेंगे, उस दिन हम लोग जरूर विकसित देश में परिणत होंगे, और हम डेवलपिंग नहीं, वी विल बी डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, लाइक रशिया, लाइक जर्मन, लाइक जापान एंड एवरीथिंग। तो दिस इज अ चेंज आई वांट टू ब्रिंग इन द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ दैट आई एम वर्किंग फॉर द जेंडर पैरिटी, फॉर द वुमेन्स इक्वालिटी इन द सोसाइटी। थैंक यू। आप उड़ीसा कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर से ये उड़ीसा से पहुंचे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आज महिला दिवस पे खास तौर पे पहुंचे हैं सिंगू बॉर्डर पे, ते अपनी शमूलियत कीती है। कैमरामैन कृष्णा दिनाल, बलदीप सिंह, चक दे टीवी, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली।